अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल मटन निहारी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो मटन है। अब इसमें तकरीबन 2.5 लीटर पानी डाल लें। बारह से 15 जवे लहसुन के डाल दें। तकरीबन आधा चम्मच नमक डाल दें। अब इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा लें। प्रेशर हमारा पूरा हो चुका है और यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब तकरीबन 1 जाम में 1.5 कप ऑयल डालें, 2 अदद प्याज डाल लें। प्याज को अच्छी तरह सुरख कर लें। प्याज सुरख होने के बाद इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालें, थोड़ा सा पानी डालें, नमक हसबे जायका डाल लें, 1/4 चम्मच सुरख मिर्च डाल लें, 1.5 चम्मच सूखा धनिया डाल दें, 1/4 चम्मच हल्दी डाल दें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें गोश्त डाल दें। अब तकरीबन 1 प्याली दही डालें। अब इसे अच्छी तरह भून लें। गोश्त हमारा बिल्कुल भून चुका है। अब इसके ऊपर जो ऑयल है उसे आप अलग-अलग बर्तन में निकाल लें। ऑयल हमने निकाल लिया सारा। अब इसमें यखनी डालें जो हमने तैयार की थी। तकरीबन आधा पैकेट निहारी मसाला डालें, 4 चम्मच घर का आटा ले लें, थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके निहारी में डाल दें। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे पकने दें। 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। 1 चम्मच गरम मसाला डालें। तकरीबन 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें, थोड़ा सा पानी डालें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब जितना आप निहारी को ठीक रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे डाल लें। निहारी बिल्कुल तैयार है। अब निहारी को सर्व करने के लिए तैयार कर लें। जो ऑयल निकाला था वो उसके ऊपर डालें। अब इसमें अदरक डालें, हरी मिर्च डालें थोड़ी सी। अब आपकी निहारी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स तक जरूर शेयर करें और इस तरह के मजीद बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।